राम राम सभी को, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये है ऑल न्यू रेनॉल्ट की ट्राइबर। इसके वेरिएंट की बात करें तो ये RXE वाला है मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर, यानी ट्राइबर का बेस वेरिएंट। इस वेरिएंट के अंदर आपको मिलते हैं दो कलर के ऑप्शन। आज जो मेरे साथ है इसका व्हाइट कलर है। कार के साथ मिलती इस टाइप की आपको दो चाबी, बिल्कुल नॉर्मल। इस चाबी से आपकी कार स्टार्ट होने वाली, ऑफ होने वाली, इसी चाबी से आपको कार को लॉक और अनलॉक करने के लिए मिलता है। तो कार की फ्रंट प्रोफाइल कुछ ऐसे देखने की मिलती है। सेंटर में आपको रेनॉल्ट का लोगो मिलता है। ग्रिल के अंदर आपको मैट फिनिश मिलती है। जस्ट नीचे आपको नंबर प्लेट के लिए प्लेसमेंट है और यहाँ पे आपको मिलता है लेफ्ट साइड के अंदर टोइंग हुक के लिए। तो यहाँ लाइट सेटअप की बात करें तो फ्रंट के अंदर आपको मिल जाता है प्रोजेक्टर लो बीम के लिए येलो लाइट के साथ में, और आपको हाई बीम के लिए मिलता है इसके अंदर हैलोजन सेटअप येलो लाइट के साथ में। जस्ट नीचे आपको इंडिकेटर लाइट भी मिलती है हैलोजन सेटअप के अंदर। यहाँ पे कंपनी से ही आफ्टर मार्केट चाहे तो DRL और फॉग लैंप भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। तो कार का ओवरऑल फ्रंट लुक कुछ ऐसा देखने मिलता है। यहाँ बात करें टायर प्रोफाइल की तो फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर के अंदर आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। 182 mm का यहाँ ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ मिलता है 165 80 R14, 14 इंच के इस टाइप के आपको स्टील रिम देखने मिलते हैं ट्यूबलेस टायर के साथ में। या फेंडर पे देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट एक और मिल जाती है, ये भी आपको हैलोजन सेटअप में मिलती है। और साइड क्लीयरिंग आपको मैट फिनिश के अंदर मिल जाती है। यहाँ पे साइड ORM की बात करें तो ये आपको मैनुअल फोल्ड करने पड़ेंगे, मैनुअल ही आपको एडजस्ट करने के लिए मिलते हैं। इस पर भी मैट फिनिश का यूज़ करा गया। डोर हैंडल भी आपको मैट फिनिश के अंदर मिलते हैं। और यहाँ से आपको अगर लॉक करना है तो उसके लिए प्लेसमेंट यहाँ मिल जाती है। तो यहाँ पर चाबी लगा के लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। तो कार की साइड प्रोफाइल कुछ ऐसे देखने मिलती है। कंपनी से आफ्टर मार्केट चाहे तो यहाँ पर आप रूफ रेल भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। अगर एंटीना चाहें तो वो भी आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो इसके अंदर म्यूज़िक सिस्टम नहीं आता है तो आपको वो इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। यहाँ पे बात करें तो हुड पे आपको वॉशर के लिए मिल जाता है, जो आपके विंडशील्ड को क्लीन करने के लिए मिलता है। कार की विंडशील्ड कुछ ऐसे देखने के लिए मिल जाती है। हुड पे कुछ ऐसे डिज़ाइन मिल जाती है आपको। इसकी वारंटी पीरियड की बात करते हैं सबसे पहले तो 2 साल की आपको वारंटी मिलती है 50,000 किलोमीटर के साथ में। अप टू चाहें तो आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। और पर्सनल मेरा एक सजेशन रहेगा, वारंटी हमेशा एक्सटेंड करवा के ही रखिए। यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 40 लीटर का आपको पेट्रोल का टैंक मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके फ्रंट डोर की तो देख सकते हैं साइड ORM कुछ ऐसे देखने मिलते हैं। और फ्रंट डोर इसका इतना वाइड ओपन हो जाता है और रियर डोर इतना वाइड ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट दे रखी है। आप कंपनी से आफ्टर मार्केट इसके अंदर इंस्टॉल करवा सकते हैं। खाली आपको यहाँ पे प्लेसमेंट दे रखी है, यहाँ पे स्पीकर कुछ नहीं आता, देख सकते हैं। और आपको पीछे वाले विंडोज़ को अगर ऑपरेट करना है तो यहाँ पे मैनुअल एडजस्टेबल के लिए मिलते हैं। तो इस टाइप से आपको मैनुअली डाउन करने पड़ेंगे और मैनुअली ही अप करने पड़ेंगे। और यहाँ पे हैंडल मिल जाता है जो आपको डोर ओपन करने के लिए मिलता है। यहाँ से आप पकड़ के बंद कर सकते हैं। हार्ड प्लास्टिक का यूज़ करा गया है ब्लैक एंड बेज के अंदर, इसको कर देते हैं बंद। और यहाँ पे चाइल्ड लॉक लगाने के लिए मिल जाता है इनकेस पीछे बच्चे बैठते हैं तो। और इसकी मिडिल सीट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। इस टाइप से आप फोल्ड कर सकते हैं अगर आपको पीछे जाना है तो। सीट की बात करें तो मिडिल वाली सीट आपको मिलती है इसके अंदर 6-way एडजस्ट, जिसके अंदर आगे पीछे के लिए मिल जाता है, रिक्लाइन के लिए मिल जाता है और 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सेंटर वाले के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता। और मिडिल वाली सीट आपको मिल जाती है 60-40 के अंदर, उधर वाली मिलती है 40, ये वाली मिलती है आपको 60 के अंदर, जिसको आप फोल्ड कर सकते हैं। फ्रंट डोर की बात करें तो ये इतना वाइड ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको भी स्पीकर लगवाना पड़ेगा कंपनी से आफ्टर मार्केट, वो आप पे डिपेंड करेगा। साइड ओवर में आपको यहाँ से एडजस्ट करने के लिए मिल जाते हैं। फोल्ड करने के लिए आपको मैनुअली करना पड़ेगा, मैं भी बता देता हूँ। और यहाँ पे आपको फ्रंट विंडोज़ के लिए कंट्रोल मिल जाते हैं, जो आपको इलेक्ट्रिक मिलते हैं ड्राइवर और को पैसेंजर साइड में। यहाँ पे आपको दोनों के लिए मिल जाता है। और को पैसेंजर साइड वाले के लिए आपको को पैसेंजर वाला इलेक्ट्रिक एडजस्ट के लिए मिल जाता है, साइड इलेक्ट्रिक मिरर के लिए, मिरर यानी विंडोज़ को उतारने चढ़ाने के लिए। यहाँ पे 1 लीटर की बोतल ले सकते हैं कुछ इस टाइप से। हार्ड प्लास्टिक का यूज़ करा गया है, ड्यूल टोन में आपको मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक एंड बीच के अंदर। इधर बात करें तो चाबी लगाने के लिए मिल जाता है, जिससे आपकी कार स्टार्ट होगी और ऑफ होगी। सीट की बात करें तो ड्राइवर सीट आपको मिल जाती है इसके अंदर 4-way एडजस्ट, को पैसेंजर वाली सीट भी आपको 4-way एडजस्ट मिल जाती है, आगे पीछे करने के लिए और आपको रिक्लाइन करने के लिए। सीट देख सकते हैं ड्यूल टोन में मिल जाती है ब्लैक एंड बीच के अंदर। यहाँ पे क्लच ब्रेक और एक्सेलेटर के लिए मिल जाता है। यहाँ से फ्यूल टैंक ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लाइट के लेवल एडजस्ट करने के लिए मिल जाता है। और अगर इसका हुड ओपन करना है तो उसके लिए जस्ट नीचे के साइड में दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं लोगो बना हुआ है, मैं पास से और दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप इसका हुड ओपन कर सकते हैं। तो ओवरऑल इंटीरियर कुछ ऐसा देखने मिलता है। इंटीरियर के अंदर बाद में चलेंगे, उसके बाद में बात करते हैं, पहले अपन पीछे की साइड चलते हैं। सो कर दिया है बंद। और
कार की बैक प्रोफाइल कुछ ऐसे देखने मिलती है। यहाँ पे आपको ट्राइबल लिखा हुआ मिल जाता है क्रोम के अंदर, यहाँ पे रेनॉल्ट का लोगो। लाइट सेटअप की बात करें तो आपको हैलोजन सेटअप में मिलती है इसकी मेन लाइट, रिवर्स लाइट और इंडिकेटर लाइट। बट आपको प्लस पॉइंट यह है, पीछे के साइड में आपको तीन पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं रेनॉल्ट लिखा हुआ मिल जाता है। यहाँ पे आपको हाई स्टॉप लैंप मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे वाइपर इंस्टॉल करवाते हैं बाद में तो यहाँ पे देख सकते हैं उसके लिए आपको वॉशर के लिए प्लेसमेंट दे रखी है। अगर इसका बूट ओपन करना है तो दो तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। एक आप पीछे की साइड कर सकते हैं, पर कार अनलॉक होनी चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पे बटन मिल जाता है इसको ओपन करने के लिए। हैलोजन सेटअप में आपको लाइट मिल जाती है नंबर प्लेट के लिए। तो अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस के बारे में। तो यहाँ पे 80 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आपको 50-50 का स्प्लिट मिल जाता है। ऐसे कुछ करके सीट आप फोल्ड कर सकते हैं और ऐसे आप अप कर सकते हैं। यहाँ पे दो एडजस्टेबल के लिए आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं, देख सकते हैं। एक आपको अप के लिए मिलता है और डाउन के लिए मिल जाता है। अगर फोल्ड करनी है तो इस लीवर को आप खींचेंगे, उसके बाद आपकी सीट फोल्ड भी हो जाएगी। यहाँ दो आपको सीट बेल्ट के लिए पॉइंट मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है, आप फोन रखना चाहें, छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। यहाँ पे स्पेयर व्हील के लिए आपको पाने मिल जाते हैं। इसका रियर स्पेयर व्हील की बात करें, जो स्टेपनी है वो आपको नीचे की साइड देखने मिलती है सेम टायर प्रोफाइल के साथ में, और वो भी आपको ट्यूबलेस टायर के अंदर मिलती है। कार की बैक प्रोफाइल से इंटीरियर देख सकते हैं कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाता है। ओवरऑल यहाँ से आपको पूरा पैक मिल जाता है। यहाँ से इसको कर देते हैं बंद और बूट के लिए आपको हाइड्रोलिक मिल जाते हैं, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। तो बंद होने के बाद कार की बैक प्रोफाइल कुछ ऐसे देखने मिल जाती है। साइड प्रोफाइल भी दिखा देता हूँ। तो ओवरऑल साइड प्रोफाइल कुछ ऐसे देखने को मिल जाती है आपको, और मैं इधर से भी दिखा देता हूँ कि मिडिल वाली सीट फोल्ड हो जाएगी तो आपको पीछे कैसे जाने के लिए मिलता है। और स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं अपन अभी। और यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन भी मिल जाते हैं कैसे आपको सीट फोल्ड करनी है, और यहाँ पे भी मिल जाते हैं आप सेफ्टी के लिए कि आपको पीछे पैर ऐसे नहीं रखने, नहीं तो आपके पैर पे चोट भी लग सकती है। तो पीछे के साइड वैसे आने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी हाइट 5'11" है तो मैं पीछे के साइड में वैसे तो आ गया हूँ। अगर इस सीट को ऐसे फोल्ड कर देते हैं तो पीछे के साइड में इजीली आप बैठ सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं थाई सपोर्ट यहाँ अच्छा खासा मिल जाता है। बट आप फोल्ड करेंगे अपने पैरों को कुछ इस टाइप से तो यहाँ पे थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो सकते हैं। अगर सीट थोड़ी आगे आप खिसका लेंगे, क्योंकि ये सीट आपको रिक्लाइन के लिए मिलती है और आपको आगे पच्छी करने के लिए भी मिलती है, तो अगर इसको थोड़ा आगे कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा नी रूम ज़्यादा मिल सकता है। अगर अडल्ट के अंदर किसी की हाइट 5'5" या 5'4" होगी तो पीछे कम्फर्टेबली बैठ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ये सीट जो है बच्चों के लिए ज़्यादा बेटर है, और आगे अडल्ट आप इजीली 3 जने बैठ सकते हैं। अब चलते हैं इसकी मेन फ्रंट सीट की तरफ में, फिर आगे इंटीरियर के बारे में बात करते हैं। कार का डैशबोर्ड कुछ जैसा देखने के लिए मिलता है। इसके इंटीरियर कलर की बात करते हैं, ड्यूल टोन में आपको इंटीरियर मिलता है ब्लैक एंड बेज के अंदर। अभी मैंने कार स्टार्ट कर रखी है और ये अभी आइडल पे है, देख सकते हैं। और एसी को मैंने 2 पे ऑन कर रखा है तो इंजन का साउंड आप सुन सकते हैं। तो पर्सनली मुझे तो कैबिन के अंदर ये काफ़ी साइलेंट लग रहा है। 1000cc का इंजन मिलता है 3 सिलेंडर के साथ में, और एसी अभी ऑन होने के बाद भी डिसेंट इसके अंदर आपको साउंड मिलता है। तो वैसे अगर हाई एक्सलेशन करते हैं तो आपको इंजन का साउंड बिल्कुल सुनाई देगा, बट नॉर्मल स्पीड पर चलाते हैं तो इंजन का साउंड आपको कैबिन के अंदर तो नहीं आने वाला। स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पर आपको रबड़ी ग्रिप मिल जाती है। ओवरऑल स्टेयरिंग व्हील कुछ ऐसा देखने मिलता है, इधर आपको एयरबैग मिल जाता है और उधर भी एयरबैग मिलता है। इस वेरियंट के अंदर 2 एयरबैग मिल जाते हैं। यहाँ रेनॉल्ट का लोगो मिल जाता है। हॉर्न का साउंड सुना देता हूँ, ऐसा कुछ हॉर्न का साउंड सुनने के लिए मिलता है। साइड ओवरियम देख सकते हैं, और इसके विंडोज़ एरिया, विंडशील्ड एरिया काफ़ी यूज मिल जाते हैं, देख सकते हैं। प्रॉपर आपको फैमिली कार मिल जाती है तो इजीली आपको यहाँ पे जल्दी से घुटन महसूस नहीं होने वाली। इंफोटेनमेंट के लिए कोई स्क्रीन नहीं मिलती, ना ही कुछ भी नहीं मिलता है, FM कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक मिलता है। बट आप चाहें तो यहाँ पे चश्मा वश्मा या फ़ोन वोन रख सकते हैं, जैसे अभी मैंने रख रखा है। कंपनी से आफ्टर मार्केट चाहें तो यहाँ पे आप म्यूज़िक सिस्टम भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, वो आप पे पर्सनली डिपेंड करेगा। यहाँ पे आपको हैज़र्ड लाइट के लिए बटन मिलता है। अगर इसकी बूट ओपन करना है तो उसके लिए बटन मिल जाता है। अगर इसका एक्शन ऑफ करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ पे क्लस्टर के अंदर भी शो होगा, जैसे ऑफ करेंगे तो लाइट हट जाएगी और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ जाएगा आपको। यहाँ पे आपको क्लाइमेट कंट्रोल के लिए मैनुअल कंट्रोल मिल जाते हैं। ये आपको एसी हीटर का दोनों काम करेगा। यहाँ से आप एसी ऑन कर सकते हैं, टेम्परेचर सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से कम और ज़्यादा। यहाँ पे आप फैन की स्पीड अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। बाहर के सर्कुलेशन को ऑन और ऑफ कर सकते हैं इस बटन से। नीचे के साइड में स्लाइड करेंगे तो बाहर को सर्कुलेशन ऑन हो जाएगा और यहाँ से ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे आपको कंट्रोल मिल जाते हैं, पैर पे हवा चाहिए, मुँह पे हवा चाहिए, डिफोगर के लिए। और यहाँ पे स्पेस मिल जाता है फ़ोन वोन रखने के लिए। यहाँ पे आप 12 वोल्ट का सॉकेट एक्स्ट्रा में फिट करवा सकते हैं बाद में, वो आप पे डिपेंड करेगा। टॉप मॉडल के अंदर यहाँ इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है। यहाँ पे नीचे साइड में आपको मिल जाता है एक 12 वोल्ट का सॉकेट। कंपनी से आफ्टर मार्केट अगर फ़ोन चार्ज करना है तो वो लगवा सकते हैं। यहाँ पे भी आपको स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे मिल जाता है आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन एक रिवर्स के साथ में। अगर इसका आपको रिवर्स गियर इंगेज करना है तो सबसे पहले क्लच दबाना है और यहाँ से इसको ऊपर की साइड में आपको पुल करना है कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे रिवर्स गियर ऐसे लगेगा। और जैसे आपका रिवर्स गियर लगेगा तो उसके बाद एक साउंड का बीप आता है इसके अंदर, और सेंसर का साउंड भी सुनने के लिए मिलता है। इसको कर देते हैं नॉर्मल। यहाँ पे आपको मिल जाता है गियरबॉक्स पे सॉफ्ट लेदर का यूज़, हैंड ब्रेक रिप्लेसमेंट, यहाँ पे 2 कप होल्डर, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस। तो यहाँ पे स्पेस के मामले में आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। यहाँ पे भी आप 12 वोल्ट का सॉकेट लगवा सकते हैं इनकेस आपको रिक्वायरमेंट है तो।
यहाँ पे ग्लोव बॉक्स की बात करें तो कुछ ऐसा स्पेस मिल जाता है जो काफ़ी डीप मिलता है, कार की मैनुअल डायरी और फर्स्ट एड किट मिल जाता है। सो कर देते हैं बंद। इधर भी आपको विंडोज़ के लिए कंट्रोल मिल जाते हैं, 1 लीटर की बोतल दे सकते हैं, स्पीकर की प्लेसमेंट दे रखी है, आफ्टर मार्केट आप फिट करवा सकते हैं, कंपनी से करवा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। तो देख सकते हैं ओवरऑल डैशबोर्ड कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाता है। इसके सेफ्टी वाइज फीचर्स की बात करें तो कार के अंदर ओवर स्पीड वार्निंग मिलती है जो बीप करता है 80 पे, 120 पे कार कंटिन्यू बीप करती है। सीट बेल्ट वार्निंग के लिए मिल जाता है। टायर प्रेशर मॉनिटर आपको इसके अंदर क्लस्टर के अंदर मिल जाता है, यानी टायर के लिए हवा बताता है कि ओके है कि नहीं है, तो टायर प्रेशर मॉनिटर आपको यहाँ मिल जाता है। इसके अंदर आपको सीट बेल्ट वार्निंग मिल जाती है, चाइल्ड लॉक के लिए आपको पीछे की साइड मिल जाता है। इसके अंदर ब्रेकिंग अट्रैक्शन की बात करें तो कार के अंदर ABS, EBD मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिल जाता है, ब्रेक असिस्ट मिल जाता है, हील होल्ड कंट्रोल मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के साथ मिल जाता है। तो इस टाइप के आपको सेफ्टी वाइज फीचर मिल जाते हैं काफ़ी ज़्यादा इस प्राइस पॉइंट के अंदर। तो आपको एयरबैग मिल जाते हैं। सीट की बात करें तो सीट मैंने देख सकते हैं पूरी पीछे का रखी है, बट यहाँ थाई सपोर्ट अच्छा खासा मिल जाता है। हाइट मेरी 5'11" तो मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ वैसे तो, क्योंकि देख सकते हैं नी रूम अच्छा खासा, हेडरूम अच्छा खासा और थाई सपोर्ट अच्छा खासा। तो फ्रंट में काफ़ी कंफर्टेबल हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से अगर मैं फैमिली के साथ जाता हूँ तो मैं यहाँ पे 400 से 500 किलोमीटर इसको इजीली चला लूँगा, क्योंकि विंडशील्ड काफ़ी अच्छी मिल जाती है। हुड पर प्रॉपर आपको यहाँ पे कमांडिंग दिखता है, मतलब विजिबिलिटी आपको अच्छी खासी मिल जाती है। ओवरऑल यहाँ पे क्लस्टर की बात करें तो फुल्ली डिजिटल आपको क्लस्टर मिलता है। इधर आपको RPM के लिए मिलता है, यहाँ पे डिजिटल आपको स्पीड देखने मिलती है, एग्जिट किलोमीटर, यहाँ पे एग्जिट आपको टाइम देखने के लिए मिल जाता है। एक बार इसको कैमरे को फोकस करवा देता हूँ, देख सकते हैं अब क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक के लिए लाइट मिलती है, सीट बेल्ट के लिए मिलती है, इंजन के लिए मिलती है, ABS आपको यहाँ पे, एयरबैग के लिए, इंडिकेटर के लिए, तो मल्टीपल यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाती है। और जो अगर एक सर्टन लेवल से अगर आपका जो टायर का हवा है वो कम हो जाएगा तो उसके लिए यहाँ पे लाइट भी चालू हो जाती है। एक सर्टन लेवल से फ्यूल कम हो जाएगा तो इस टाइप से आपको पेट्रोल की लाइट ब्लिंक करेगी। इधर आपको पेट्रोल लेवल मिलते हैं, इधर आपको टेम्परेचर लेवल देखने के लिए मिल जाते हैं इंजन के लिए। अगर इसको ऑपरेट करना है तो इस बटन से आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप दबाएंगे तो यहाँ पे ट्रिप ए एवरेज क्या निकाल रहे हैं वो देखने मिलता है, ट्रिप बी पे क्या एवरेज मिल रहा है वो, यहाँ पे रेंज देखने के लिए मिल जाती है, इंस्टेंट एवरेज क्या निकाल रहे हैं वो देखने मिलता है, यहाँ पे एवरेज आ जाएगा, और यहाँ पे फ्यूल आपने यूज कितना करा है वो देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे आपको एवरेज आएगा वापस, और यहाँ पे सेट टायर प्रेशर के लिए आ जाता है। आगे करेंगे तो वापस क्लॉक आ जाएगी। यहाँ पे सेंटर में आपको रेनॉल्ट लिखा हुआ है। डिजिटल क्लस्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने वक्त, अगर इसको बंद कर देंगे उसके बाद भी ये कुछ इस टाइप से देखने मिलेगा। जब ऑन होगा तो यहाँ पे डिजिटल आपको स्पीड ये सारी चीज़ें मिल जाती है। तो ओवरऑल यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक का यूज़ करा गया है। इधर बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है टोल रिसीप के लिए। इसके IRM की बात करें तो देख सकते हैं ये पूरा फिक्स मिलता है, खाली ऐसे आपको यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे मिल जाता है आपको कैबिन के लिए लाइट जो आपको LED मिलती है, आपको डोर पर रखना है, पर्टिकुलर ऑन करनी है, पर्टिकुलर ऑफ करनी है तो वो कर सकते हैं। इधर आपको प्लेन मिल जाता है और यहाँ पे आपको एयरबैग के लिए वार्निंग मिलती है कि आगे आप बच्चा ना बैठाएं सीट लगा के, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये वार्निंग्स जो है काफ़ी जगह मिल जाती है आपको, इंजन के अंदर, साइड में आपको, यहाँ पे पीछे वाली सीट पे, तो ये चीज़ों को आप ध्यान में रख के यूज़ ले सकते हैं। तो ओवरऑल फ्रंट से डैशबोर्ड काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल जाता है। कुछ कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आप कंपनी से आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं, वो आप पे पर्सनली डिपेंड करेगा। वैसे अगर नॉर्मली आप फैमिली के साथ जाएँ तो वैसे आपको म्यूज़िक सिस्टम की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर प्रॉपर आप फैमिली के साथ जाते हैं तो आप अपने बातचीत से ही इतना आपका जो रास्ता है वो आपका ईजिली हो जाएगा इसमें क्लियर, आपको यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पड़ती है तो आप लगवा सकते हैं। तो आगे काफ़ी कंफर्टेबल हूँ। अब चलते हैं इसकी मिडिल सीट पे, कैसा क्या स्पेस मिलता है उस बारे में बात करते हैं। कार की मिडिल सीट पे मैं आ चुका हूँ, यहाँ देख सकते हैं नी रूम मुझे ओके मिल रहा है, क्योंकि सीट मैंने पूरी पीछे कर रखी है, थोड़ी सी रिक्लाइन भी कर रखी है, तो उसके बाद भी मुझे यहाँ नी रूम ओके मिल रहा है। थाई सपोर्ट अच्छा खासा मिल रहा है, हेडरूम इसके अंदर बहुत अच्छा मिल रहा है। मेरी हाइट 5'11" तो मैं बीच वाली सीट पर भी काफ़ी कंफर्टेबल हूँ। ये आपको यहाँ पे 60-40 का स्प्लिट मिल जाता है और यहाँ से आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। ओवरऑल यहाँ पे विंडोज़ के लिए आपको मैनुअल एडजस्टेबल कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ पे अभी सेम टू सेम देखने मिलते हैं, रियर से कार का डैशबोर्ड कुछ ऐसा देखने मिलता है और कंफर्टेबल हूँ। दो आपको सीट बेल्ट के लिए पॉइंट मिलते हैं, बीच वाले के लिए आपको नॉर्मल मिलता है। तो यहाँ पे इजीली अगर आप लार्ज हेल्थ के भी होंगे अडल्ट के अंदर तो यहाँ पे 3 जने बैठ सकते हैं, मीडियम हेल्थ के होंगे तो यहाँ पे 4 जने बैठ सकते हैं। 4 जने ना बैठाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप पुलिस के नॉर्म्स जानते हैं, अलग अलग होते हैं, बिना मतलब कोई चालान कट जाएगा तो अननेसेसरी कोई फालतू लफड़ा मत लीजिए। बाकी 7 जनों के लिए है तो 7 जने ही बैठिए। और पीछे वाली सीट भी दिखा देता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे आप बच्चे बैठाएं तो ज़्यादा बेटर रहने वाला है। तो बीच वाली सीट पे भी काफ़ी कंफर्टेबल में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके इंजन बे की तरफ चलते हैं, फिर इसके इंजन की बात करते हैं। कार का हुड ओपन होने के बाद देख सकते हैं इंजन में कुछ ऐसा देखने मिलता है। ऊपर की साइड के अंदर आपको इंसुलेशन मिल जाता है। इंजन की बात करें तो ये BS6 फेस 2 वाला इंजन है फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ में। इंजन की बात करें तो 1000cc का इंजन मिलता है 3 सिलेंडर के साथ में, जो पावर प्रोड्यूस करता है 71 BHP। टॉर्क की बात करें तो 95 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ARI ने इस कार का एवरेज क्लेम करा है 19 किलोमीटर का,
तो आप इसके अंदर सिटी के अंदर चलाएंगे तो इजीली 12 से 15 का एवरेज निकाल सकते हैं। हाईवे पे अगर चलाते हैं 80 टू 100 के बीच में तो आप यहाँ पे 20 प्लस का एवरेज निकाल सकते हैं। ये मेनली आपके चलाने पे और रोड की कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो ओवरऑल इंजन में कुछ ऐसा देखने मिलता है, नीट एंड क्लीन। हो करते हैं बंद, फिर कार की एक्सट्रीम प्राइस की बात करते हैं। अब बात करते हैं कार के एक्सट्रीम प्राइस की। तो ऑल न्यू रेनॉल्ट ट्राइबर RXE मैनुअल ट्रांसमिशन की आपको एक्सट्रीम प्राइस मिलती है 5,99,500 रुपीस एक्सट्रीम जयपुर राजस्थान के अंदर। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को अपन यहीं एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।